नमस्कार आप सभी को। मैं ओम प्रकाश नेपाल उम्मीदा भाई। आज मैं मेरी यात्रा के दौरान मैं जीवाना पहुंचा हूं। अभी मैं BSP कैंडिडेट जो उम्मीदवार हूं यहां से, और विधानसभा उम्मीदवार हूं, और मैं अभी गाँवों से मिल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। संपर्क अभियान चल रहा है मेरा, लोग अच्छा समर्थन कर रहे हैं। तो आप भाजपा से बागी होकर बसपा में आए? बिल्कुल वैसा, वो भाजपा वालों को तो क्या कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा लगा, महसूस हुआ कि भाई उनको तो कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों रहे उनके साथ। इस बार किस मुद्दे पर आपका पक्ष रहेगा? जालौर विकास के लिए। विकास में मेन मुद्दा रहेगा सर, जवाई बांध का पानी है, और ये जितने भी जवाई बांध के पानी के बाद में जितने भी ये पुल वगैरह है, जैसे उमेदाबाद केसवना का है, सायला वीराना का है, और भी आगे कई ऐसे जो मुद्दे हैं मेरे पास, कई मतलब रोडों की समस्या भी है कई गांवों की, तो काफ़ी कई ऐसे गांव मैंने देखे हैं जहां पर अभी तक माँ बेटिया बहन बेटिया वगैरह वो पानी मटके से लाना पड़ता है, मतलब GLR वाले टांके से। पहला तो कभी किसी की बदल भी नहीं है, विचारधारा तो बदलना कोई अभी इतना जल्दी तो है नहीं, आगे पता नहीं क्या होगा। पर अब मैं पार्टी बसपा में हूँ, अब मैं बसपा का आने वाले समय में पार्टी के साथ गाँव में दौरा कर रहे हैं। आपको कैसा समर्थन मिला गाँव में? बहुत जोरदार मिल रहा है समर्थन, और एक युवा के नाते मुझे बहुत अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, दिन मतलब दिन में हजारों लोगों के युवाओं के फोन आ रहे हैं, और 37 कौम मुझे सपोर्ट कर रही है। ग्रामीणों की मुख्य तो क्या समस्या आपके सामने आई? तो ये आई मतलब कहीं पानी की समस्या आई, कहीं रोडों की आई, मेन रोड तो बन गए, बाकी कई रोडों पर समस्या तो यही बस अभी तक जो जरूर जो मौजूदा विधायक है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वैसा मैं उन पर तो कुछ कहना नहीं चाहता, मैं उन पर तो कुछ भी नहीं कहूँगा, बाकी उनका कोई काम नहीं है, उन्होंने 30-40 साल यहाँ की जनता के खराब कर लिए। नहीं ऐसा कोई नहीं बताओ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वो उनका काम कर रहे हैं, जनता देख रही है, उन्होंने कुछ किया नहीं तो जनता उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। क्या इस बार आप जीत पाएंगे? वैसा जीतना हारना तो वो कोई नहीं कह सकता, पर मैं जरूर मेरा प्रयास कर रहा हूं।